दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। शाहरुख खान की फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज होते ही ऐसा लग रहा है पता नहीं ऐसे क्या ही हो गया। इस गाने की जितनी लोग तारीफ कर रहे हैं, शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण की जितनी लोग तारीफ कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण के लुक्स की जितनी लोग तारीफ कर रहे हैं, उसमें मीन मेक निकालने वाले भी उतने ही लोग हैं। लेकिन इस बीच अच्छे और बुरे गाने से आगे जाकर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया है। वैसे तो गाने में दीपिका ने काफ़ी सिजलिंग मूव्स दिए हैं, लेकिन गुस्सा आने वालों को आ रहा है इस फ्रेम में गुस्सा। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकिनी पहनकर हिंदू धर्म का अपमान कर दिया है। खुद बीजेपी का वर्कर बताने वाले अरुण यादव नाम के इस शख्स ने दीपिका पादुकोण के ऑरेंज बिकिनी पहनने पर कहा है, पठान फिल्म में हकले ने हीरोइन को भगवा रंग की पोशाक पहनाई और गाने का नाम बेशरम रंग रख दिया। हकला बोले तो शाहरुख खान, यानी कि अरुण यादव कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को बिकिनी पहनाई भगवा रंग की और उस गाने का नाम रख दिया बेशरम रंग। वैसे हम सबको ये पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी बात है वैसे, फिर भी रिपीट कर रही हूँ। फिल्म जब बनती है ना तो उसमें हीरो क्या पहनेगा, हीरोइन क्या पहनेगी, कैरेक्टर्स क्या क्या पहनेंगे, इसके लिए बाकायदा एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है, पूरी टीम होती है, भारी भरकम बजट होता है और वो डायरेक्टर के साथ संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और फिर डायरेक्टर तय करता है कि फाइनल हीरो या हीरोइन इस तरह की बड़ी पिक्चरों में, इस तरह के गानों में किस कलर के, किस तरह की बिकिनी पहनेंगे, और उसमें हीरो हीरोइन का भी हस्तक्षेप होता है लेकिन लिमिटेड होता है। तो बीजेपी की ये कार्यकर्ताओं को और बाकी लोगों को ये मालूम होना चाहिए। दोस्तों अब जब बीजेपी के इन कार्यकर्ता महोदय सहित कई सोशल मीडिया के खलिहरों ने गाने को इतने गौर से देखकर अपने को सूट करने वाला रंग खोज ही लिया है, तो भाई गाने की शुरुआत से लेकर अंत तक तो दीपिका पादुकोण नाना प्रकार के रंगों की बिकिनी पहन रही हैं। गाने की शुरुआत होती है इस लेमन कलर की बिकिनी के साथ, फिर आती है गोल्डन कलर की बिकिनी, फिर बीच में हरे रंग की बिकिनी भी आती है, यानी पूरे गाने में दीपिका ने काले से लेकर हरे से लेकर ऑरेंज हर कलर की बिकिनी पहन डाली। अब मुझे कोई ये बताए कि दिक्कत दीपिका के बिकिनी पहनने पर है या फिर ऑरेंज रंग की बिकिनी पहनने से है। दोस्तों इन लोगों को ये रंग भगवा क्यों लगा मेरे तो समझ ही नहीं आया, मेरे तो दिमाग भी नहीं गया, गाना तो मैंने भी देखा था लेकिन मेरा दिमाग नहीं गया कि ये रंग भगवा है। मतलब कोई योगी साधु महात्मा ये रंग, जब ये रंग धारण करता है तो हम उसे भगवा वस्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आध्यात्म फिर जुड़ जाता है। ये कहाँ का लॉजिक है कि ऑरेंज कलर जब भी दिखेगा आप उसे भगवा कहेंगे या फिर वो हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। अभी चले जाइए अपने पास की दुकान में या किसी भी मॉल में, आपको हजार तरह की वेस्टर्न ड्रेसेस मिल जाएंगी भगवा रंग में, सो कॉल्ड ऑरेंज कलर में जो आप कहते हैं, मैं उसको भगवा रंग नहीं कहती, मैं उसे ऑरेंज कलर कहती हूँ। हर तरह की ड्रेसेज हैं और कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, तो इस हिसाब से तो ऑरेंज कलर के टॉप जो लड़का लड़की पहनते हैं बाजारों में घूमते हैं, मतलब उसमें भी धर्म आ जाएगा क्या? अब इस गाने को इन लोगों ने इतने गौर से देख ही लिया है तो ये हरे रंग की बिकनी टाइप जो दीपिका ने पहना ये भी देखा होगा, तो हरा रंग तो मुसलमानों को प्रिय है, तो ऐसे तो एक और धर्म का अपमान कर दिया दीपिका पादुकोण ने। अरुण यादव के इस ट्वीट पर लोगों ने कटरीना कैफ की अक्षय कुमार के साथ इस सिजलिंग मूव वाली साड़ी और कंगना रनौत की काली बिकनी भी याद दिला दी। हालांकि मेरे हिसाब से ये भी गलत है, किसी औरत के कपड़ों का जवाब किसी दूसरी औरत के कपड़ों के जवाब से नहीं दिया जा सकता। दोस्तों दीपिका की बिकिनी के रंग में धर्म खोजना तो बहाना है, असली टारगेट तो शाहरुख खान को बनाना है, उनकी फिल्म को बनाना है, तो बॉयकॉट गैंग लग गया अपने काम पर। लेकिन इस बॉयकॉट गैंग को कौन समझाए कि भाई हाल के दिनों में जितनी भी फिल्मों का बॉयकॉट हुआ है वो इसलिए नहीं पिटी कि उनका बॉयकॉट हुआ था, इसलिए पिटी भाई क्योंकि फिल्म बकवास थी, फिल्म बोरिंग थी। तो यही रूल शाहरुख की फिल्म पर भी लागू होता है। जहां तक बात है बिकिनी के रंग की, तो भाई रंग तो रंग है, देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है। अरुण यादव खुद की डीपी में पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर लगाते हैं ना, तो पीएम के आदर्शों पर, मोदी जी के आदर्शों पर क्यों नहीं चलते? एक औरत के कपड़ों के रंगों में पॉलिटिक्स करना, बताइए क्या शोभा देता है? आप इस मुद्दे पर दोस्तों क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।